विद्या भारती का भारतीय मूलगामी आधुनिकतम नवीनतम शिशु मनोविज्ञान आधारित शिशु शिक्षा का प्रयोग यानी शिशु वाटिका शिक्षण पद्धति। गर्भाधान पूर्व से 5 वर्ष के शिशु विकास की पूर्ण व्यवस्था। किसी भी राष्ट्र के जीवन दर्शन पर आधारित शिक्षा दर्शन हो तभी शिक्षा सफल होती है। भारतीय जीवन दर्शन अखंड है, मनुष्य का विकास क्रम भी अखंड है, उसी तरह शिक्षा का क्रम भी अखंड और सातत्यपूर्ण होना चाहिए, जैसे शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा। शिशु विकास समग्र शिक्षा की नींव है। मनुष्य के जीवन का विकास भी शिशु अवस्था से ही प्रारंभ होता है। भारतीय जीवन दर्शन आधारित शिशु शिक्षा का शास्त्रीय सूत्र है लालयत पंचवर्षाणी, अर्थात गर्भावस्था पूर्व से 5 वर्ष तक का शिशु का समग्र विकास। यह 0 से 5 की शिशु अवस्था में शिशु जो भी सीखता है वो अपनी अंतः प्रेरणा, अनुकरण एवं अनुभव से सीखता है। शिशु विकास के यह मूल सूत्र का आधार लेकर विद्या भारती द्वारा शिशु शिक्षा का भारतीय स्वरूप तैयार किया गया है। भारतीय जीवन चिंतन के अनुसार शिशु का विकास जन्म पूर्व गर्भाधान की क्षण से शुरू होता है। मनुष्य का बीज बनने का प्रारंभ यह अवस्था में शिशु परावलंबन में से स्वावलंबन की ओर प्रयाण करता है। उसकी ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया सक्रिय बनने लगती है। नए नए अनुभव करने की इच्छा होती है। यह अनुभव ही उनका सहज विकास है। इस प्रकार के अनुभव करवाने के लिए परिवार में एक व्यवस्था भी करनी पड़ती है। इसके लिए अभिभावकों को भी सीखना पड़ता है। इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था अर्थात 1 से 3 वर्ष के शिशुओं की माताओं की शिक्षा, 3 से 5 वर्ष के शिशुओं की माताओं की शिक्षा। इस अवस्था में शिशु धीरे धीरे स्वावलंबी होता है। इसकी ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया सक्रिय हो गई है, तब आवश्यकता है ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के उचित समन्वय की। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के उचित समन्वय से शिशु विकास अच्छी तरह से हो सकता है। 3 से 5 वर्ष के शिशु औपचारिक शिक्षा को समझते नहीं, परंतु अनुभव आधारित क्रियाकलापों द्वारा उचित समन्वय कर सकते हैं और इस समन्वय से ही सृजनशीलता एवं सौंदर्य बोध का विकास होता है। छोटी सी आयु में ऐसी सृजनशीलता विकसित होने पर विसर्जनात्मक यानी ध्वंसात्मक वृत्ति समाप्त होती है। इस तरह 3 से 5 वर्ष के शिशुओं के लिए अनुभव आधारित, क्रिया आधारित, आनंददायक क्रियाकलापों की व्यवस्था समझने के लिए 3 से 5 वर्ष के शिशुओं की माताओं की शिक्षा। यह 3 से 5 वर्ष के शिशुओं की अनौपचारिक शिक्षा को